रुका हुआ धन प्राप्त करना या डूबा हुआ धन प्राप्त करना या फंसा हुआ धन प्राप्त करना। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति मदद के नाम पर या ब्याज के लालच में किसी ऐसे व्यक्ति को धन दे देता है जो समय आने पर अपने वायदे से मुकर जाता है। हमारा ही पैसा हमें बार बार मांगने पर मजबूर होना पड़ता है। कुछ लोग तो सालों साल टालते रहते हैं, तो कुछ लोग पैसे वापस देने की जगह लड़ने को तैयार हो जाते हैं और हम पैसे देकर फंस चुके होते हैं। रिश्ते नाते दोस्ती सब टूटने की कगार पर आ जाते हैं। ऐसी अवस्था में पहली बार तो कभी भी दोस्ती रिश्तेदारों में रुपये पैसे का व्यवहार ही न करें। अगर करते हैं तो लिखा पढ़ी अवश्य करवा लें। अब अगर आपसे गलती हो ही गई है तो यह उपाय करें, कम से कम 3x3 इंच का भोजपत्र पेपर लें और कनेर की कलम और अष्टगंध की स्याही से सामने वाले व्यक्ति का नाम लिखें उस पर और निम्न मंत्र का जाप करें। वो जो मंत्र है, ओम क्लीं पातु श्रीम रक्षा कुरु कुरु श्रीम नमः। ओम क्लीं पातु श्रीम रक्षा कुरु कुरु श्रीम नमः। मैं फिर से एक बार कहता हूँ, ओम क्लीं पातु श्रीम रक्षा कुरु कुरु श्रीम नमः। यह मंत्र 7 माला यानी 756 बार इस मंत्र को गुरुवार के दिन से शुरू करके 11 दिन तक पूरे विश्वास श्रद्धा के साथ जपें। जब समाप्त होने के बाद बुधवार के दिन किसी किन्नर को 51 रुपये या 101 रुपये दान कर दें या जो भी आप दान करना चाहते हैं दान करें। याद रखें, यह दान सिर्फ बुधवार को ही करें। अगर बुधवार को कहीं किन्नर दिखाई न दें तो अगले बुधवार को देने का प्रयत्न करें, और अगले बुधवार को भी नहीं दिखाई पड़े तो उसके अगले बुधवार को। याद रखें, सिर्फ बुधवार को ही दान देना जरूरी है। इसके बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम आते हैं। यह अगर उपाय आप करते हैं तो बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम आपको मिलने लगते हैं। नॉर्मली ये आप समझ लीजिए कि पैसे न देने के 2 मेन कारण माने जाते हैं। पहला कारण तो यह, व्यक्ति पैसा देना चाहता है पर उसके पास है ही नहीं। दूसरा कारण यह कि उसके पास पैसे हैं लेकिन वो देना ही नहीं चाहता। इसलिए यह विधि दोनों प्रकार के व्यक्तियों पर अचूक रूप से कार्य करती है। सवाल है, आप पूरे डेडिकेशन के साथ श्रद्धा के साथ इस मंत्र को आप जपें और भोजपत्र अष्टगंध और कनेर की लकड़ी कहीं से अगर प्राप्त आपको हो जाए तो बहुत ही खुशी की बात है। अगर कहीं प्राप्त न हो रही हो तो इस लिंक पर क्लिक करें और इस सामग्री को आप प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप इस विधि का लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी यह विधि बताएंगे जिससे कि वो इनसे लाभ उठा सकें। और इसी के साथ में हम आशा करते हैं कि आप अपने जो आपकी मनोकामना है पूर्ण हो और आपका परिवार सुखी रहे। इसी के साथ धन्यवाद। और अगर आप आध्यात्मिक जानकारी दिन पर दिन लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।